हेलो एवरीवन, मुंबई लाइफ में भावना के साथ आपको एक बार फिर से स्वागत है। ये ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है और ये ब्लॉग है स्पेशल क्योंकि हम काफ़ी दिनों से इसी के चक्कर में लगे हुए थे, काफ़ी बिजी थे जो कि कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पा रहे थे अपने ब्लॉग के साथ में। तो आज है हमारे यहाँ पे इवेंट, तो मैं उस इवेंट में हूँ जिसके काफ़ी सारे मतलब बॉलीवुड टाइप ऑफ अवार्ड फंक्शन है ये। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे मलाड में जहाँ पे हमारा इवेंट है। तो इवेंट में कौन कौन आ रहे हैं और आप देखिएगा हमारा इवेंट, एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में अगले, फिर मैं आपको ना और वीडियो आगे का दिखाती हूँ यहाँ से कि अब हम लोग का क्या मतलब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। भूमिका चावला जो हैं वो आने वाली हैं और यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को अवार्ड देने वाली हैं। तो पूरा का पूरा अवार्ड फंक्शन हम लोग देखते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू। हो गई है शाम और आप ये देख सकते हैं तैयारी पूरी जोर शोर से है। यहाँ से ये एंट्री है पूरी अवार्ड शो के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कारपेट पूरा डेकोरेट हो चुका है, तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत शाम के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर सारा कुछ। रेड कारपेट फ्रंट पे साइड में मीडिया के लिए दिया हुआ है और एक तरफ फोटोग्राफ्स के लिए दिया हुआ है। और ये देखिए मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। अंदर काफ़ी हद तक सीटिंग भर चुकी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग बैठ गए हैं और सामने स्टेज है। और ये है आकाश सिमान जी जो कि बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं ये लोग। और यहाँ पे है निमेश, एंट्री उनके हाथ में है सारी, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख सकते हैं फ्रंट पे ही सारा कुछ संभालना। मतलब निमेश आकाश ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ चारों तरफ। और यहाँ एंट्री हो गई है खुशबू और खुशबू की फ्रेंड कान्हा आकाश लव जो कि मेरे सबसे बड़े फैन है, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था और इसमें भी देखो तो सारे वीडियो याद है मेरे आकाश को। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, पक्का शेयर करो है ना। थैंक यू। और नेहा की एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं नेहा के साथ में है शारदा मैम और मानसी। हम लोग अब अंदर की तरफ आ रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, सोच रहे हूँ मैं शारदा मैम को वहाँ पे उनकी सीटिंग्स प्रोवाइड कर दें, मतलब बता दूँ उनको। अभी देखिए मैम को, मैम अपनी चेयर पे जा चुके हैं और मैं यहाँ पे सारा वीडियो ले रही हूँ चारों तरफ से। और ये देखिए ये पीछे हैं सीमान जी और राज, एकदम बढ़िया हैंडसम लग रहे हैं दोनों। और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम रेड कारपेट के साथ में लाइटिंग्स वगैरह बहुत खूबसूरत है। और ये हमारा लोगो टिया का, ये देखिए आप देख सकते हैं सब ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहे हैं ये दोनों और बहुत बिजी हैं पर बेचारे। पीछे मीडिया और बस मैं अपनी शक्ल दिखाई जा रही हूँ, अपनी शक्ल दिखाई जा रही हूँ। और यहाँ पे है खाने का अरेंजमेंट, अभी खोलना नहीं है खाना, बस दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा है, अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा है, बट देखने में सब अच्छा लग रहा है, मतलब पढ़ पढ़ के अगर मैं देख रही हूँ तो। और ये अभी यहाँ पे काफ़ी हलचल हो रही है, लोग आ गए हैं और मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि कोई आ रहा है। राज अभी तैयार नहीं है, फिर मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि अभी जिसको मैं लेने आई थी वो लोग अभी नहीं पहुँचे हैं और लोग अभी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं बार 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 इसी एरिया को दिखा रही हूँ, बोर मत होना, आगे अच्छा भी दिखाऊंगी। श्रॉफ जी की एंट्री हो चुकी है, इनकी ज्वेलरी की बहुत अच्छा डिज़ाइनर ज्वेलरीज का है इनका काम। और ये अंदर अभी धीरे धीरे सब भरता जा रहा है। Before we start the event, we are going to have a little interactive session. आप सभी के साथ थोड़ी वाटर। और यहाँ मैं शारदा जी और मानसी के साथ बैठी हुई हूँ। शारदा जी बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और इनका बहुत अच्छा काम है स्किन केयर का, स्किन और हेयर रिमूवल का, स्किन थेरेपी, आई मीन स्किन में बहुत सारे काम आते हैं। और ये नेहा है, नेहा को तो आप जानते ही हैं पहले से। और ये सब यहाँ पे हम लोग अभी गपशप चल रही है हम लोगों की। सीमान जी ने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सीमान जी फॉर
और वंदना और मैं आज यहाँ पे खड़े हुए हैं भूमिका जी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी मोमेंट आ सकती हैं, तो वी आर द होस्ट, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका स्वागत करने के लिए। राज बहुत बिजी हैं और आप देख सकते हैं भूमिका जी आ गई हैं और अभी हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वंदना यहाँ बुके दे के उनका स्वागत कर रही है। अभी हम उनको अंदर लेके जा रहे हैं, पर बहुत भीड़ हो गई है, बाउंसर सब गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है बिकॉज कैमरामैन इसको कुछ फुटेज चाहिए थी, इसलिए वो धीरे धीरे चलने को बोल रहे हैं। अब जो हमारे कैमरामैन हैं वो पीछे हैं, तो इसलिए मैं सीमान जी पीछे से दिखाई दे रहे हैं। अभी जो ओरिजिनल फुटेज और आएंगी हमारी, तब वो और वाला वीडियो भी मैं दिखाऊंगी, फ्रंट वाला भी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे और यहाँ पे मैं और राज कुछ समझा रहे हैं उनको कि बाइट दे दें वो पहले, मीडिया बाइट जो होती है सेलिब्रिटी की, तो हम लोग वही बोल रहे हैं पहले बाइट दे दो फिर भीड़ घेर लेगी आपको, मैं वही समझा रही हूँ उन्हें। बट उनके मैनेजर को लग रहा है कि पहले फंक्शन ख़त्म कर लें उसके बाइट बाद में बाइट देंगे, तो वही सब डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। श्रॉफ जी की बहुत हेल्प थी यार, श्रॉफ जी ने बहुत हेल्प की और ये अंदर आ चुके हैं और हमने उनको जहाँ पे बिठाना था बिठा दिया है। भूमिका जी और वंदना, मैं और यहाँ पे तारा शुक्ला जी बैठी हुई हैं, तो मैं तारा शुक्ला जी को ज्वाइन कर लिया मैंने। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर गपशप कर रहे हैं, देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कौन आ रहा है, ये मेरे दो अनमोल रतन, ये लोग आ चुके हैं, लेट हैं, आ गए हैं सिद्धेश और कान्हा, और बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के, बहुत दिन बाद हम लोग मिले, तो हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये लोग गप मार रहे हैं, नेहा बैठी है, अभी हम लोग बहुत दिन बाद इकट्ठे हुए हैं, शारदा मैम खड़े हुए हैं और हम सब गप मार रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अवार्ड शुरू हुआ है और पता नहीं क्या हो गया, लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी कर दिए लोगों ने, सब ने अपने अपने गार्ड्स को ले आए यहाँ पे, अवार्ड शो चालू हो रहा है, मतलब चल रहा है, लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं। भूमिका जी, मतलब अब भूमिका जी जा रही हैं, अवार्ड शो हो गया है, अवार्ड हो गए हैं, बस अभी लोग टूट पड़ेंगे फ़ोटो के लिए। ये देखो पब्लिक खड़ी हो गई उनके साथ पिक्चर्स लेने के लिए। यहाँ पर शायद एक दो लोग रह गए थे जिनको भूमिका जी के हाथ से अवार्ड नहीं मिला था, तो भूमिका जी फिर वापस से स्टेज पे जा रही हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छा मोमेंट, बहुत ही काइंड नेचर शो किया अपना, और वो वापस आई स्टेज पे, और हमारी शारदा मैम रह गए थे उनको, और एक दो लोग और रह गए थे, खुशबू भी रह गई थी, तो वो आ गई हैं स्टेज पर। वरुण बुद्धदेव जो हैं आरआर में बचपन का एक्ट किया था जिन्होंने एक बच्चे का रोल, वो भी आ गए हैं। सब लोग जो रह गए मतलब उनको वो दे रही हैं अभी अवार्ड। Bye.
और ये छोटी सी बाइट में और वंदना दे रहे हैं मीडिया को कि हमारा इवेंट कैसा रहा और सिवान जी और राज जी ने कैसी मेहनत की और इवेंट को सक्सेस बनाया और यहाँ पे आए हुए सभी गेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोला हम लोगों ने। और उसके बाद आप देख सकते हैं कान्हा को मिला है अवार्ड हैंडसम बॉय द ईयर तारा जी के हाथों और यहाँ पे कान्हा मीडिया को बता रहा है कि उसे किस लिए अवार्ड मिला है। और अब शुरू हो गया है फोटो सेशन क्योंकि अवार्ड सबको मिल चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं, सेलिब्रिटी जा चुकी हैं और सब लोग मीडिया बाइट दे रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। मैं और वंदना यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब बिजी, मैं और खुशबू एकदम बिजी हैं, सब अपने अपने पिक्चर्स फोटो शूट करने में। यहाँ पे मैंने खुशबू का सोलो फोटो लिया और ये सेशन शुरू होता है पगड़ी का। यहाँ पे एक पगड़ी बांधने वाले आए थे जिनको अवार्ड मिला था, बहुत फास्ट पगड़ी बांधते हैं, 15 सेकंड में पगड़ी बांध देते हैं और मुझे लगता है 15 सेकंड से पहले ही। तो उन्होंने कहा लाइए हम एक आपको भी बांध देते हैं, तो मैंने भी पगड़ी बंधवा ली। आप देखिए कैसे बांध रहे हैं वो, एक मतलब कुछ ही फ्यू सेकेंड्स में उन्होंने बांध दिया और पगड़ी मेरे ड्रेस से मैच कर रही है। हो गया और अब बारी आती है कान्हा। कान्हा को अवार्ड मिला है द हैंडसम बॉय ऑफ ईयर। तो कान्हा दांत दिखा रहा है अपना और अब कान्हा को पगड़ी बंधेगी, देखते कान्हा को कितनी जल्दी बंधेगी। कान्हा को भी इतनी जल्दी 10 सेकंड में बांध देंगे, वो बहुत एक्सपर्ट थे, सच में बहुत एक्सपर्ट पगड़ी बांधने में। ये लो बंध गई कान्हा को भी पगड़ी, कान्हा एकदम स्मार्ट लग रहा है पगड़ी बांध के। अब यहाँ पे ना सबने इतनी पगड़ी बांध बांध के फोटो खिंचवाया कि पगड़ी ख़त्म हो गई, अपने यहाँ के लिए पगड़ी नहीं बची। बट हम लोगों के बीच में नेहा बहुत अच्छी लग रही है कि दो लोग पगड़ी में और एक बिना पगड़ी के, तो हम लोग यहाँ पे गपशप कर रहे हैं और यहाँ पे हम तीनों लोग गप मार रहे हैं। कान्हा घर में डिस्कशन चल रहा है उसका चिकन और चावल को लेके कि उसको आएगा वो तब खाएगा क्योंकि उसको यहाँ वेज खाना अच्छा नहीं लगा। और मैं और नेहा डिस्कशन कर रहे हैं अपने दांतों को लेकर। नेहा अच्छी लग रही है बहुत आज, आज की हमेशा अच्छी लगती है पर अच्छी लग रही है वो। आज को टेंशन हो रही है बहुत बेचारे को, देखो है ना। हाय गाइस, तो कैसा लग रहा है? भाभी जी बोलूं ना? हां भाभी यू, तो भाभी को नहीं, ऐसा तो बताना पड़ेगा ना, अपना चैनल के नाम बताना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, अभी लाइव है क्या? चालू है ये? मैं निलेश है, निर्देवर। और ये देखो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भार इनके ऊपर है, पूरा इवेंट सक्सेस इनकी वजह से हुआ है। बेचारे इतने बिजी है, खाना भी नहीं खा पाए, हमने खाना भी खा लिया हमने और पगड़ी भी बांध ली। खा लिया खाना, पगड़ी भी बांध के सरदार जी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या करो, निकल करो। और आकाश, अरे हेलो भाई, आकाश नेक्स्ट टाइम दाढ़ी और बाल बना के आऊंगा। हर एक बार में ऐसा होता है, अचानक उठा के लेके आते हैं लोग, लेकिन नेक्स्ट टाइम साउथ के लोग बनते होंगे। और ये देखो जलेबी रबड़ी खा रहे हैं लोग, बहुत अच्छी। पूरा इवेंट आकाश, शुभम निमेश के ऊपर है। इवेंट हो चुका है, फोटोग्राफी चल रही है। देखो ये कान्हा और नेहा दोनों बिजी है फोन पे। किससे बात कर रहे थे कान्हा? माय वर्ड में कान्हा बिजी था, माय वर्ड को बता रहा था चावल खाए मैंने, घर जाके नॉनवेज खाऊंगा। अच्छा लग रहा, पहली बार पगड़ी पहनना हूँ जैसे जिंदगी में, पहले भी नहीं। टाइम पे खत्म हो गई, पर ठीक है बीच में आ रही हो ना, हम दोनों को जैसे बिगड़ गया, रेशम का है ना खुल गया। क्या कह रहे हो तुम, बांध के दिखाओगे? चांदी नहीं। रात के बज रहे 12, इवेंट हो गया ख़त्म और हम जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हम लोग के साथ। पता नहीं नेहा फिर अब कब आएगी, बाय। नेहा के बॉसेस कब छुट्टी देंगे? चलो बाय। लौट के बुद्धू घर को आए, हम लोग आ गए हैं घर। ये देखो पर्सनैलिटी, कैसा रहा इवेंट? अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं बट अच्छा।
तो इवेंट हो गया ख़त्म। आपने देखा हम लोग घर पहुंच गए और उसके बाद में ये कुछ ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स मैंने लगाई हैं इसमें। आप देखिए पिक्चर्स को और इन्जॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी अवॉर्डीज़ हैं उनको सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगले अवॉर्ड के लिए रेडी रहें। हम लोग जल्दी आएंगे एक नई इवेंट में। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और कुछ कमी दिखे तो मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए बताएं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो है अभी, आप देखते रहिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि पिक्चर्स हैं अभी। तो मैं जा रही हूँ, आप वीडियो देखिए। थैंक यू। मैं एक मिनट।